वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज क्रोमोसोमल एबरेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5th फ्रॉम योर सिलेबस ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. ओके द एबरेशन मीन्स एनी फैक्ट और एनी एक्शन विच इज अनएक्सेप्टेबल, मतलब विकृति. क्रोमोसोमल एबरेशंस मीन्स क्रोमोसोम में आई हुई विकृति. डेफिनेशन देखेंगे, स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज ड्यू टू रीअरेंजमेंट is called chromosomal aberrations. It changes the genes arrangement, that is order or sequence that result in variation. Chromosomal aberration मतलब chromosome में, chromosome की जो रचना है उस रचना में अगर कुछ change होता है तो rearrangement होता है. chromosome के जो parts है, segments है, chromosome के जो genes है उन genes में rearrangement होता है. genes की arrangement change हो जाती है तो उसी से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल एबरेशन. क्रोमोसोमल एबरेशन से वेरिएशन आएगा ज़रूर, फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाएंगे. क्रोमोसोमल एबरेशंस अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. क्रोमोसोमल एबरेशंस होने के चार रीजंस है. एक है डिलीशन, दूसरा है डुप्लीकेशन, तीसरा है इन्वर्जन और चौथा है ट्रांसलोकेशन. इसी को हम एक एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नंबर वन इज डिलीशन. डिलीशन मतलब वेरी सिंपल वे से इसको लिया गया है. डिलीशन को देखिए, डिलीशन मीन्स लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम क्रोमोसोम्स. लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होते हैं अगर वो जीन्स लॉस होते हैं तो उसे बोला जाता है डिलीशन. हम इस डायग्राम में देखेंगे, नीचे एक इमेज है, उस इमेज में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम दिखाया गया है. दैट क्रोमोसोम इज ओरिजिनल क्रोमोसोम एंड उस क्रोमोसोम में यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो जीन्स है ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये पार्ट. अगर हम डायग्राम नंबर 2 में देखेंगे तो ये ग्रीन पार्ट यहाँ से डिलीट हो गया है, कट गया है. देखिए यहाँ पर नहीं है, कट के वो कहीं और चला गया है और ये तीसरे डायग्राम में हमें ये पार्ट नहीं दिख रहा है. ओके तो क्रोमोसोम की जो लेंथ है वो भी थोड़ी छोटी हो गई है तो इसी को बोला जाता है बेटा क्रोमोसोमल एबरेशन का पहला जो पार्ट हमने कंप्लीट किया डिलीशन. ओके बेटा इसे क्या बोला जाता है डिलीशन. फिर एक बार देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ से ओरिजिनल क्रोमोसोम में ये पार्ट दिख रहा है लेकिन म्यूटेड क्रोमोसोम में मतलब डिलीशन के बाद हमें इस क्रोमोसोम में वो पार्ट नहीं दिख रहा क्योंकि वो जो पार्ट है वो यहाँ से डिलीट हो गया तो दिस इज़ कॉल्ड डिलीशन. नेक्स्ट है डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन में जीन्स आर रिपीटेड और डबल. ओके बेटा इन क्रोमोसोम, ये देखो ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है और इस ओरिजिनल क्रोमोसोम में जीन्स अलग अलग कलर से दिखाए गए हैं. ग्रीन कलर यूज़ किया है, फिर ये ऑरेंज कलर, ब्लू कलर और ये वॉयलेट कलर. यहाँ पर ये ग्रीन कलर, ये जीन्स है, ये भी जीन्स है यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ जो ब्लू कलर से दिखाए गए जीन्स है ये ओरिजिनल क्रोमोसोम में सिर्फ एक बार है लेकिन म्यूटेड क्रोमोसोम में मतलब डुप्लीकेशन के बाद यहाँ पर दो बार रिपीट हुए हैं. मतलब ये जो जीन्स है वो डबल हो गए हैं, रिपीट हो गए हैं तो इसे बोला जाता है डुप्लीकेशन. इसे क्या हो गया, क्रोमोसोम का जो लेंथ है वो बढ़ गया है. तो ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है और ये म्यूटेड क्रोमोसोम है. म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट तीसरा है ओके बेटा इन्वर्जन. इन्वर्जन में क्या होता है कि ये जो जीन्स है वो जीन्स एक क्रोमोसोम से ब्रेक हो जाते हैं और उसी क्रोमोसोम को वो उल्टे चिपक जाते हैं, 180 डिग्री के एंगल में वो ट्विस्ट हो जाते हैं, उसे बोला जाता है इन्वर्जन. अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड गेट्स रीअटैच टू द सेम क्रोमोसोम इन एन इन्वर्टेड पोजिशन ड्यू टू 180 डिग्री ट्विस्ट. देयर इज़ नो लॉस और गेन ऑफ जीन्स जीन कम्प्लीमेंट ऑफ द क्रोमोसोम. देखिए डायग्राम में जीन्स ए ए बी सी डी ई ओके एफ जी एच आई जे. तो यहाँ पर जो ये जीन्स है जी एच आई है ना, ऐसा सीक्वेंस है इसका जी एच आई. तो क्या हो गया है कि ये जी एच आई यहाँ से कट गए हैं. कटने के बाद वो 180 डिग्री
से 180 डिग्री एंगल से ट्विस्ट हो गए हैं और उल्टे चिपक गए हैं। जैसे यहाँ पर जी एच आई सीक्वेंस है, लेकिन ये इन्वर्जन के बाद अगर हम क्रोमोसोम की स्थिति देखेंगे तो आई एच जी, जो आई आखिरी था वो पहले आ गया, एच में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो बीच में है, और जो जी पहले था वो लास्ट में चला गया। मतलब अगर कोई ऐसा सेगमेंट है तो ये सेगमेंट टूट के उल्टा हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर जी है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर आई है, ये अगर उल्टा हो गया, ऐसे घूम गया 180 डिग्री से, तो क्या होगा, ये आई होगा, ये एच होगा और ये जी होगा। इसे बोलते इन्वर्जन। इन्वर्जन में कोई जीन्स का लॉस भी नहीं हुआ, गेन भी नहीं हुआ, क्योंकि उसी क्रोमोसोम में वो जीन्स आके चिपक गए। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोजिशन। ट्रांसलोकेशन मतलब मोमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोजिशन, अगर किसी चीज़ का पोजिशन चेंज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर हम जीन्स की पोजिशन के बारे में देखेंगे, जीन्स की पोजिशन चेंज हो जाती है। तो ये एक क्रोमोसोम हमें दिख रहा है और ये दूसरा क्रोमोसोम भी हमें दिख रहा है ना, ये क्रोमोसोम 4 और ये क्रोमोसोम 20, ये ओरिजिनल क्रोमोसोम से ऐसे ही होते हैं, ओरिजिनल नॉर्मल क्रोमोसोम है ये। लेकिन म्यूटेड क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो गया है कि ये जो सेगमेंट है या फिर ग्रुप ऑफ जीन्स है ना, ये ओरिजिनल क्रोमोसोम में है, लेकिन म्यूटेड क्रोमोसोम में हमें ये नहीं दिख रहे। और ये जो क्रोमोसोम है ये वाला, इसमें ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा हमें नहीं दिख रहा है, दिख रहा है हमें नहीं है ना। तो यहाँ पर हम म्यूटेशन के बाद देखते हैं, यहाँ से कट के, यहाँ से कट गया है ये पार्ट सेगमेंट क्रोमोसोम का, जीन्स का पार्ट, और ये यहाँ पर ये चिपक गया है। ओके, देखिए यहाँ से कटने के बाद ये क्रोमोसोम यहाँ हमें छोटा होता हुआ दिख रहा है, इसकी लेंथ छोटी हो गई, और यहाँ पर ये दूसरे क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम 20 में, क्रोमोसोम 4 का जो सेगमेंट है वो क्रोमोसोम 20 में चिपक गया है आके। तो क्रोमोसोम 4 शॉर्ट हो गया, क्रोमोसोम 20 लॉन्ग हो गया, इसे बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। डेफिनेशन देखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ मतलब ट्रांसपोजिशन, यहाँ से पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गई है ना, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसफ़र ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और सेट ऑफ जीन्स टू अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इट इज़ अफेक्टेड नेचुरली बाय ट्रांसपोसंस। ट्रांसपोसंस मतलब जंपिंग जीन्स, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तैयार होते हैं सेल में, उसे बोला जाता है ट्रांसपोसंस, प्रेजेंट इन द सेल। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, देखिए ये दो क्रोमोसोम्स है एक पैर में, जो दो क्रोमोसोम्स है इन दो क्रोमोसोम्स को बोला जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेकिन देखिए ये दूसरे वाले जो क्रोमोसोम्स है, ये है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके बेटा, जो ये वाले, ये पिंक कलर्स दिखाए गए हैं मैंने, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ओके बेटा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये वाले नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर ये होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस है, दो ब्लू कलर के होमोलोगस, दो पिंक कलर के होमोलोगस, लेकिन पिंक कलर के और ब्लू कलर के क्रोमोसोम्स नॉन होमोलोगस। अगर इस क्रोमोसोम का हिस्सा यहाँ पर ऐड हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलोकेशन। यहाँ से कट के यहाँ ऐड हो गया तो ट्रांसलोकेशन। ओके बेटा, अगर आप देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में तो इस तरह से वो दिखाया गया है, ये एक डायग्राम, इसमें बहुत इजी तरीके से दिखाया गया है डिलीशन। डिलीशन देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पर ये डी जीन है ना, मैंने ये जो डी जीन है, ये यहाँ पर डी जीन यहाँ नहीं है, ओरिजिनल क्रोमोसोम में है डी जीन, लेकिन ये म्यूटेड क्रोमोसोम में डी जीन नहीं है, इसलिए म्यूटेड क्रोमोसोम छोटा हो गया है। यहाँ क्या लिखा है बेटा, डेफिनेशन लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। उसके बाद डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में देखेंगे आप, ये देखिए बी और सी जीन यहाँ है ओरिजिनल क्रोमोसोम में, लेकिन देखिए म्यूटेड क्रोमोसोम में बी सी दो बार आ गया, बी सी मतलब ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, तो ये म्यूटेड क्रोमोसोम की लेंथ बढ़ गई है। सी क्या है, इन्वर्जन, सेकंड थर्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन में बी सी डी ये ओरिजिनल है,
ये रिवर्स हो जाएगा इसका सीक्वेंस। देखिए 180 डिग्री से ये घूम गया, बी बी सी डी है तो डी सी बी हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, डी सी बी, क्रोमोजोम के एक हिस्सा कट गया और वो उसी क्रोमोजोम में उल्टा चिपक गया। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में आप देखेंगे यहाँ पर जो ओरिजिनल क्रोमोजोम है इसमें ए बी है, लेकिन यहाँ पर ए बी नहीं है, है ना, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी नहीं है, तो यहाँ पर एम एन ओ ये अलग ही जीन्स है, ये दूसरे क्रोमोजोम से, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम से आके यहाँ पर चिपक गए हैं।